नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मौसम विभाग की ओर से एक बड़ा जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है। एक घंटे पहले, 38 मिनट पहले, 3 घंटे पहले तूफान करके गूगल करके देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दोस्तों मौसम विभाग ने कहा फिर आ सकता है तूफान, 4 राज्यों के लिए जारी की चेतावनी। और इन जगहों पर 36 घंटों में तूफान का खतरा ले चुका है सो जाने। और इसी के अलावा अभी रिसेंटली समाचारों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नवभारत टाइम्स की ओर से अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आज तक की ओर से भी एक अपडेट आ चुका है, 36 घंटे में तूफान का खतरा है। और यहाँ पे एनडीटीवी की ओर से भी अपडेट निकल कर आ रहा है, मौसम विभाग ने कहा फिर आ सकता है तूफान, 4 राज्यों के लिए एक चेतावनी जारी करी गई है। रिसेंटली अगर हम बात करें पहले की, तो तूफान से हिली ताजमहल की 2 मीनारें, 368 साल में पहली बार ताजमहल के मुख्य ढांचे को नुकसान हुआ है, दैनिक भास्कर की एक खबर है, आप देख सकते हैं। तो तूफान ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है और न जाने कितनी जाने ले चुका है, ये देख सकते हैं आप। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में फिर से तूफान और बवंडर आने की चेतावनी जारी की है। विभिन्न राज्यों में अब तक तूफान की चपेट में आने से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज आंधी तूफान की आशंका है। दोस्तों 124 व्यक्तियों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो ये हम सभी के लिए एक बड़ा जो अलर्ट है वो भी रिसेंटली वापस चल रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उस पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। तो नए तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यही अपडेट है फिलहाल के लिए स्टूडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज अलर्ट्स में, तब तक के लिए देखते रहेगा माय स्मार्ट गाइड।